इस वीडियो लेक्चर में हम हाफ एडर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। हाफ एडर के पास में दो इनपुट होते हैं और दो ही आउटपुट होते हैं। इट इज एन अर्थमेटिक सर्किट दैट हैज टू इनपुट एंड टू आउटपुट। जो आउटपुट होते हैं उस एक सम होता है और दूसरा आउटपुट कैरी होता है। जब इसका लॉजिक गेट बनता है तो उसमें एक एग्जोर गेट और एक एंड गेट होते हैं। यहां आप देख सकते हैं हाफ एडर की ट्रुथ टेबल और लॉजिकल सिंबल्स दोनों को दिखाया गया है। सम और कैरी दोनों की इक्वेशंस भी यहां पर शो की गई हैं। हाफ एडर के अंदर दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। यहां पर इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट सम एंड कैरी। अब हम इस ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे और फिर इसके लॉजिकल डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इनपुट वैल्यू 0 एंड 0 है, तब आपका जो सम की वैल्यू है वो 0 होती है और कैरी की वैल्यू 0 होती है। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। सेकंड केस में जब इनपुट 0 और 1 है, तब सम की वैल्यू 1 होती है और कैरी की वैल्यू 0 होती है। थर्ड केस में जब इनपुट ए एंड बी की वैल्यू 1 और 0 है, तब सम की वैल्यू 1 होती है और कैरी की वैल्यू 0 होती है। एंड लास्ट केस में जब दोनों इनपुट 1 1 है, तो सम की वैल्यू 0 होती है और कैरी की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि लास्ट केस में जब सम की वैल्यू 0 होती है और कैरी की वैल्यू 1 होती है, तब हम इस कैरी को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रोसेस अधूरा छूट जाता है, इसलिए इसको हाफ एडर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है फुल एडर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जब दोनों केस में सम यहाँ 1 1 है, ये 1 के लिए 1 है, ये 2 के लिए 1 है, तो इसकी जो इक्वेशंस है ये एग्जोर गेट की बनती है। एस की जो वैल्यू है ये आप एग्जोर गेट में देखेंगे और जो सी की वैल्यू है ये आप एंड गेट में देखेंगे। यहाँ पर इन इक्वेशंस को के मैप के थ्रू भी दिखाया गया है। सी के केस में 3 पर 1 है, 1 1 पर 1 है, तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि एक 1 है और के मैप में हम इसी 1 का पेयर बनाएंगे। सेम केस में एस वाले केस में 1 पर 1 है और 2 पर 1 है, तो यहाँ कोई पेयर नहीं बन सकता, इसलिए ये दोनों सेपरेट पेयर बनेंगे, 1 1 के दो पेयर बनेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इस केस में ए और बी आएगा कैरी के लिए, और इस केस में ए बार बी और ए बी बार, ये एग्जोर की इक्वेशंस हो गई, ये कैरी की इक्वेशंस हो गई। और हाफ एडर कहाँ पर यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? इट इज यूज इन कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, डिजिटल मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे कि बाइनरी एडर है वहां पर हाफ एडर का यूज होता है, और फुल एडर को कंस्ट्रक्ट करने में भी हाफ एडर्स का यूज होता है। थैंक यू एवरीवन, कीप वाचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।